आज की विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दो महत्वपूर्ण विधेयक ध्वनिमत से पास हो गए। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून का प्रावधान हो गया है। इसके अलावा महिलाओं के क्षेत्रीय आरक्षण को लेकर उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 पास हो गया है। इससे प्रदेश में महिलाओं को 30% क्षेत्रीय आरक्षण की व्यवस्था एक बार फिर से लागू हो जाएगी। सूबे के धामी सरकार की अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने इन दोनों विधेयकों को कैबिनेट से मंजूरी दी थी। विधानसभा में इन विधेयकों के पास होने से प्रदेश में से लागू करने के लिए जल्द अधिसूचना जारी हो जाएगी। इन दोनों विधेयकों के पास होने से हल्द्वानी भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज बड़े हर्ष का दिवस है कि हमारी सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान में जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इसी के तहत आज राजकीय सेवा में 30% का जो आरक्षण हमारे विधेयक पास हुआ है, इस खुशी के उपलक्ष में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिले के नेतृत्व में एक यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हम मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी महिलाओं के बारे में सोचा, इस देश की महिलाओं के बारे में सोचा कि 30% आरक्षण जो दे रखा है उसमें जो सरकारी नौकरियां महिलाओं में मिलती थी, पर इस बार आरक्षण देखे तो उन्होंने और अच्छी सुविधा कर दी है। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे रितु खंडूरी जी ने भी वहां पे, वो इस समय विधानसभा अध्यक्ष हैं। देखो, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और माननीय रितु खंडूरी जी की अध्यक्षता में आज ये उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सिर्फ उत्तराखंड के लिए हुआ है, ये उत्तराखंड की महिलाओं के लिए तो बहुत खुशी की बात है।